फोन करेगा आज हमने जिला सांबा की तरफ से रिंग रोड जमींदारा ढाबा के नज़दीक विजयपुर पुलिस के साथ नाका लगाया हुआ था। नाके के दौरान हम आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे, इतने में एक कार आई, मारुति कार, जो रिंग रोड से टर्न लेके बिश्नाह की तरफ जा रही थी। उसको हमने जब रोक के चेक किया तो उसमें हमने दो आदमी जो बैठे हुए थे, जब उनको चेक किया तो उनकी गाड़ी में से तकरीबन 22 ग्राम चिट्टा जो है वो बरामद हुआ और लगभग 25,000 रुपया वहाँ से हमने नकदी जब्त किया। ये भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम चेक करेंगे सारे थानों से कि पहले इनका किसी थाने में पर्चा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें तफ्तीश के दौरान ही क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि जैसे इन्होंने रिंग रोड से टर्न किया बिश्नाह जाने के लिए, आगे हमने नाका लगाया हुआ था, हमने गाड़ी रोक ली, चेक कर लिया, दोनों की पहचान हुई है। दोनों में से एक का नाम बिल्ला बिल्ला, काफ़ी मशहूर नाम है इसका, दूसरे को काका काका कहते हैं, और दोनों को पकड़ के हमने चिट्टा भी जब्त कर लिया मौके पे, और अब इनके ऊपर FIR लगा के आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्प्लायर है ये, कुछ क्या करने है? देखो 22 ग्राम चिट्टे से तो लगता कि नेचुरली ये सप्लायर ही होंगे, तभी इतनी मात्रा में इनके पास चिट्टा मौजूद था। कैश कितने बरामद हुए? कैश लगभग 25,000 रुपया कैश दोनों से बरामद हुई है। नशे के खिलाफ जो पुलिस के ड्राइवर के आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल, हमें इस समय बार बार सीनियर अफसर से यही डायरेक्शंस आती हैं, और हमारे जो SSP साहब अभी नए आए हैं उनकी भी यही डायरेक्शंस है कि किसी भी सूरत में नशे करने वाले को या नशा बेचने वाले को स्पेयर नहीं किया जाएगा, और उसी कड़ी में ये नाका जहाँ पर लगाया गया। क्या कुछ मैसेज रहेगा जनता के लिए? देखो जनता के लिए यही मैसेज है कि आप लोग हमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे उतना ज़्यादा ये काम होगा। हर काम के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप इन्फॉर्मेशन दो उसके बाद हम एक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कैसे ये पकड़े नहीं जाते। सर मामला दर्ज कर लिया गया? हाँ हाँ बिल्कुल, मामला इनके खिलाफ दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है।